हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन और ये आपकी क्लास 23 है। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो नेशनल प्रोडक्ट फॉर अल्जाइमर डिजीज़ है। देन वी विल टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द लास्ट टॉपिक इज HCARD। तो ये टॉपिक्स क्या हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन दोनों बातों का हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो आर फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल प्रोडक्ट फॉर अल्जाइमर डिजीज़। तो एक प्रोडक्ट डेवलप किया है JNCASR ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने एक नेशनल प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि अल्जाइमर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो आपका उनका जो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसने ये इन्वेंट किया है। इसमें इन्होंने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, जिसमें जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है बर्बरिन, उसको यूज़ किया है और इसको कन्वर्ट किया है BERD में, मतलब BERD में इसको कन्वर्ट किया है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानना नहीं है, बट मैं बस आपको एडिशनल इसको नॉलेज के लिए प्रोवाइड कर रही थी ये आपको इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने अल्जाइमर डिजीज़ के लिए नेचुरल प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, उसकी जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्टिकुलर जो अल्जाइमर डिजीज़ है, इसका जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से डेवलप किया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ले लेते हैं। तो ये जो आपका BERD है, ये एंटीऑक्सीडेंट एंड सोल्यूबल उसकी प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने अभी डेवलप किया है। बल्कि जो पुराना बर्बरिन था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था सेल के लिए और जल्दी वो सॉल्यूबल नहीं हो पाता था। इसके अलावा इसमें इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट भी डाला है जिसको हम आइसोक्विनोलाइन कहते हैं, और आइसोक्विनोलाइन इंडिया एंड चाइना में काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ों को मिलाकर इन्होंने इस दवाई को बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ आपका ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो किसने बनाई है, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टॉपिक टू है हमारा द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो आपका द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो कि सैनिटेशन एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्शन में काम करेगी, और ये आपका बेसिकली CSIRO ने डेवलप किया है, मतलब सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। तो CSIR भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसके CSIRO डिपार्टमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इन्होंने इसकी पूरी जो राइट्स है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, इस टेक्नोलॉजी को राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को, ताकि इसको बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जा सके। नागपुर बेस्ड कंपनी है ये, एंड ये जो डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी है ये आपकी बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिव पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और इससे जो पैथोजन होते हैं उनका डेवलपमेंट या उनका स्प्रेड नहीं होता है। इसके अलावा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे डेवलप किया गया है इस मशीन को। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें ये टेक्नोलॉजी का नाम आ सकता है कि किस तरीके से हम पैथोजन को के स्प्रेड को स्टॉप कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड मशीन किसने डेवलप की है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CSIRO। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को भी ऐसे ही आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मान लीजिए इफ इन केस आपसे पूछा जाता है तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं HCARD के बारे में। अब ये HCARD क्या है? HCARD एक तरीके का रोबोटिक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म है आपका हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, दैट इज HCARD। ठीक है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, इसको लॉन्च किया गया है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के काम को हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली आपको पता है कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं, जब वो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो उसकी वजह से उनको इन्फेक्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे में वो उन पेशेंट से
प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, इसलिए इस रोबोट को डेवलप किया गया है। ये रोबोट करता क्या है, ये रोबोट एक आप कह सकते हैं कि एक छोटा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जैसे होते हैं उस तरीके के शेप में है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रॉर्स बने हुए हैं। उन ड्रॉर्स में उन पेशेंट्स का खाना स्टोर किया जाएगा, मेडिसिन स्टोर की जाएगी, प्लस जो उनको सैंपल देना है, अगर उनका कोई ब्लड सैंपल लिया जा रहा है या कोई भी उनका सैंपल लिया जा रहा है टेस्ट के लिए, तो वो अपना सैंपल उस पर्टिकुलर ड्रॉर्स में रख सकते हैं, उस कंपार्टमेंट्स में रख सकते हैं और अपना फूड वहाँ से ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो रोबोट जो है वहीं से फिजिकली उनसे उन पेशेंट्स के पास जाएगा, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं आपके वो उनको टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में उनकी प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो पाएगी। तो ये जो एच कार्ड है आपका, ये डेवलप किया गया है CSIR लेबोरेटरी में और ये दुर्गापुर में है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एच कार्ड किसने डेवलप किया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CSIR, और कहाँ पे डेवलप किया गया है, दुर्गापुर में इसको डेवलप किया गया है। तो CSIR दुर्गापुर ने इसको डेवलप किया है। तो ये दोनों ही तरीके से ये डिवाइस काम करता है, ये ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल मोड में भी ये डिवाइस काम करता है। तो बेसिकली इसको किसी भी कंट्रोल स्टेशन पे या नर्सिंग बूथ पर इसको मॉनिटर किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। एक डिवाइस की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है और इसका जो वेट है वो आपका 80 किलोग्राम्स है। तो ये आज के टॉपिक्स थे, आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।